तो स्वागत है दोस्तों, मैं फिर से आकर मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी सिलेक्टर पर। यहाँ पर हम बात करेंगे फेयर ब्रेक ग्लोबल वीमेंस T20 के दूसरे मैच के बारे में। पहला मैच भी हमने कवर किया था, उसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पर भी मिलेगा, मिला भी था, और उसका टीम भी आपको मैंने टेलीग्राम पर दिया था जो कि काफ़ी शानदार रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ग्रैंड लीग को वीडियो को देख करके ग्रैंड लीग जीता उसी मैच में। और वीमेंस मैच में आपको मैं हमेशा बताता भी हूँ कि यहाँ पर सबसे आसान होता है अगर कहीं ग्रैंड लीग जीतना तो यहीं पर होता है। और जो पहला वीडियो मैंने बताया था उसमें जो स्टैट्स बताए थे उसको देख करके किसी एक यूजर ने यहाँ पर ग्रैंड लीग भी जीता, जिसका आपको सबूत यहाँ पर दिखाई भी रहा है। बाकी इस वीडियो के अंदर 2000 रुपए का गिव अवे होगा पेटीएम का, जिसके लिए आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर उसका आपको करना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देख करके, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, मिलेगा रीसेंट फॉर्म सभी प्लेयर्स का, मिलेगा आपको यहां पर लास्ट सीजन के सभी स्टैट्स, यानी कि पिछले सीजन में, चूंकि ये दूसरा एडिशन है इस टूर्नामेंट का, तो दोनों टीमों ने जो पिछले सीजन में इनके प्लेयर्स खेले थे क्या परफॉर्मेंस उसमें रही थी, उसके बारे में यहाँ पर आपको सारे स्टैट्स यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ प्लेयर बैटल्स यहाँ पर कुछ हैं वो भी आपको यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, जिससे आपको टीम बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी आज के इस मैच की। तो यहाँ पर पूरा वीडियो आपको शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना है, अगर आपको ग्रैंड लीग में कुछ खास करना है जैसा कि इस यूजर ने किया था, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। बाकी ये जो मैच है कुआलियुन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है जो कि हांगकांग में है। पहला एडिशन जो था वो हुआ था दुबई में, तो पिच में थोड़ा सा डिफरेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। पहला मैच भी जो हुआ था उसकी अगर हम पिच रिपोर्ट को चल करके देखें तो उसकी पिच रिपोर्ट जो थी जो कुआलियुन ग्राउंड पर हुई थी उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले वाले मैच में देखने को साफ मिला एक बड़ी अच्छी बैलेंस विकेट यहाँ पर देखने को मिली थी, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा पिच थोड़ी सी स्लो होती चली गई, स्पिनर्स को वहाँ पर मदद मिलने शुरू हो गई। पहली इनिंग में अगर जाकर देखेंगे तो आगे बढ़ते अगर हम उसके पहली इनिंग के स्टैट्स को देख लें, जो पहला मैच हुआ इसी टूर्नामेंट का, तो पहली इनिंग में वहाँ पर बने थे टोटल 150 रन और विकेटें गिरी थी टोटल 6, जिसमें 4 विकेटें तेज गेंदबाजों को मिली और साथ ही साथ 2 विकेटें यहाँ पर स्पिन को मिली। तो पहले इनिंग में शुरुआती कुछ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिली भी, जिसकी वजह से तेज गेंदबाज वहाँ पर डोमिनेट करते हुए दिखे भी। लेकिन जो दूसरा मैच हुआ, दूसरी इनिंग हुई, उसमें चेज़ कैनवेल टीम केवल 109 रन बना पाई और ये 109 रन बनाने में उसके 9 विकेटें गिर गई, जबकि टीम अच्छी थी, बैटिंग उनकी अच्छी लाइनअप थी, और उसमें अगर आप देखें तो 3 विकेट तेज गेंदबाजों को मिला और 6 विकेट वहां पर स्पिनर्स लेकर गए, और मैच को वहां पर जीत गई वो टीम जिसने पहले बैटिंग की थी। तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स यहां पर डोमिनेट कर रहे हैं और डेफिनेटली उसी वजह से चेज़ कैनवेल टीम एक मैच हारी। और इस सभी चीज़ों को देखते हुए जो अभी आपने स्टार्ट यहाँ पर देखे इस मैच का, पहले वाले मैच का, उसकी बेसिस पर अगर आप कहें तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टीम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगी। और उन सभी चीज़ों को देखते हुए टेलीग्राम के चैनल पर जो आपको मैं फाइनल टीम दूंगा वहां पर आपको ज्वाइन करना काफी जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो टीम आपको मैं बनाऊंगा टॉस का अपडेट देख करके ही बनाऊंगा। दोनों टीमों में थोड़ा डिफरेंस भी है, खास करके उनके तेज गेंदबाजी और स्पिन आक्रमण को लेकर के, वो भी आगे बताऊंगा। तो टेलीग्राम के चैनल को तो सबसे पहले ज्वाइन करिए, जहां पर आपको मैं फाइनल टीम दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक पिन किया हुआ कमेंट है जो सबसे ऊपर टॉप पर कमेंट बॉक्स में दिखाई पड़ेगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा मेरे इस टेलीग्राम के चैनल का, जिसको आप क्लिक करेंगे लिंक को डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट से, तो आप इस तरीके के चैनल पर पहुंचेंगे जहां पर आपको यहां पर एक नीचे ज्वाइन बटन देखने को मिलेगा, उसको क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। फाइनल टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, जो भी फाइनल चीज होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी मैच के स्टार्ट होने के पहले। तो जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन करिए। फिलहाल हम बात करते हैं आगे, पिच रिपोर्ट की बात यहाँ पर हमने बात कर ली है, साथ ही साथ यहाँ पर हमने टेलीग्राम पर जहाँ पर आपको फाइनल टीम मिलेगी उसकी भी बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो अब इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रखने के लिए, अपनी ग्रैंड लीग टीम बनाने के लिए चीज़ें काम आती हैं। अब हम देखेंगे प्लेइंग 11। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर इंग्लैंड की प्लेयर यहाँ पर मैंने लगा दिया, जर्सी इंग्लैंड की है, क्योंकि वो वाले अगर मैं बात करूँ तो जो पिक्चर्स हैं वो अवेलेबल है नहीं कहीं पर इंटरनेट पर। तो फिलहाल ये है नेटली सिवर जो कि खेलती है वॉरियर्स वीमेन टीम की तरफ से, और इनकी जो टीम है इनकी अगर प्लेइंग 11 को देखें तो काफ़ी मजबूत टीम दिखाई पड़ती है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर हेली मैथ्यू जो आपको ओपन करते हुए दिखाई पड़ेंगी एली जॉनस्टन के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक लोकल प्लेयर है और बहुत ही अच्छी और ताबड़तोड़ बैटिंग करने की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो करती हैं। तो एली जॉनसन और हेली मैथ्यू आपको ओपन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, दोनों ही राइट हैंडेड बैटर्स हैं और दोनों ही ऑलराउंडर भी हैं। बेसिकली दोनों के दोनों ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कभी कभी करते हैं, जिसमें हेली मैथ्यूज रेगुलर ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती हैं और एली जॉनस्टन कभी कभार करती हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आएंगे नेटली सिवर जो कि एक राइट हैंडेड बैटर राइट हैंड मीडियम पेसर है, मिंगनॉन डुप्रीत जो साउथ अफ्रीका से मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। नंबर 4 पर आएंगे जो कि एक राइट हैंडेड बैटर हैं। इसके अलावा आएंगे सिंधु श्रीहर्षा जो कि टीम की ऑफिशियल कैप्टन भी हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये एक राइट हैंडेड बैटर है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती है, अच्छे फॉर्म में है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी फॉयबिल स्फील्ड है, लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेग स्पिन बॉलर। बाकी कैथरीन ब्राइस हैं, राइट हैंडेड बैटर, राइट हैंड मीडियम पेसर। बाकी हैं एसा रोहित, यास्मीन खान, समीना कॉर्नेल जो कि वेस्ट इंडीज से खेलती हैं, ये भी आपको दिखाई पड़ेंगी। बाकी मरियाना मार्टिनेज जो कि एक राइट हैंड मीडियम पेसर है। तो ये दो राइट हैंड मीडियम पेसर इस टीम के पास, यास्मीन खान भी एक राइट हैंड मीडियम पेसर हैं, बाकी ज़्यादातर कैथरीन ब्राइस को छोड़ दे तो स्पिन बॉलर्स हैं। तो प्लेइंग 11 अगर आप इनका देखें, इनकी बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें तो डेफिनेटली समीला कॉर्नेल
लिंग के पास एक अच्छी बॉलर है जो कि अनुभवी भी है, वेस्ट इंडीज से काफी सारी क्रिकेट खेल चुके हैं। बाकी नेटली सिवर भी आपको दिखाई पड़ेगी, बहुत ही अनुभवी बॉलर, साथ ही साथ यहाँ पर हेली मैथ्यूज भी। बाकी एक्सपीरियंस वाइज अगर आप जाकर के देखेंगे तो थोड़ी सी कम आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस दिखाई पड़ेगी इस बॉलिंग लाइनअप में इस टीम की, खास करके अगर पहली इनिंग में बॉलिंग ये टीम करती है तो आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे दूसरी टीम की भी उसकी किस तरीके की अटैक है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों की। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर ऊपर ही केटी मैक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक लोकल प्लेयर या डोमेस्टिक प्लेयर कह सकते हैं आप, आपको ऊपर ओपन करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, बहुत ही शानदार फॉर्म में भी है रिसेंटली, आगे आपको मैं दिखाऊंगा। राइट हैंडेड बैटर, लेग ब्रेक बॉलर है। इसके बाद आते हैं आयरिश प्लेयर गेबी लेविस, इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया के एरिन बर्न्स जो कि वीमेंस आईपीएल में भी खेली थी, हालांकि मौका केवल एक मैच में मिला था। राइट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। बाकी बेबेट डी लीड है जो कि एक राइट हैंडेड बैटर है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। बाकी कैरी चैन है लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। सना मीर पाकिस्तान के पूर्व और संन्यास ले चुके प्लेयर जो कि एक राइट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलिंग करती हैं। बाकी मरियन ओमार है राइट हैंडेड बैटर, ऑफ स्पिन बॉलर। कैथरीन ब्रंट जो कि न्यूजीलैंड से खेलती हैं, राइट हैंडेड इंग्लैंड से खेलती हैं माफ करिएगा, राइट हैंडेड बैटर, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। सबनीम इस्माइल है, अगर मैं बात करूं तो विमेंस क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज अगर इस समय कोई है तो सबनीम इस्माइल है, जैसा आपने विमेंस आईपीएल में भी देखा होगा 130 प्लस की बॉलिंग कर रही थी लगातार। टैस परेंट है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, और गीतिका कोडाली है जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। और इस टीम के पास डेफिनेटली आप देख के भी जाएं, एक्सपीरियंस भी देखेंगे तो बहुत ही तगड़ी और जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप है, गति को लेकर के भी, स्विंग को लेकर के भी, और स्पिन भी इनके पास यहां पर अगर मैं बात करूं तो एरिन बर्न्स है। लेकिन आप एक चीज तो कह ही सकते हैं कि स्पिन थोड़ी सी कमजोर इस टीम की दिखाई पड़ती है, लेकिन पेस अटैक इस टीम का काफी अच्छा है। तो ये आपने देख लिया दोनों टीमों का प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ेंगे स्टैट्स की हम बात करेंगे, जिसमें आपको मैंने वीडियो को शुरू में बताया भी था कि किस किस स्टैट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पिछले वाले एक सेकंड, इसके पहले हम देख लेते हैं बेंच का भी प्लेयर, बेंच वाले रह गए हैं फिलहाल, उसको भी देख लेते हैं। तो आगे स्टैट्स देखेंगे तो वॉरियर वेमेन का जो बेंच है उस पर तानिया रूमा है, सहजीन सहजाद है, बाकी एलिसन सीयू है, राइट आर्म मीडियम पेसर है, यह राइट हैंडेड बैटर राइट आर्म मीडियम पेसर, और यह राइट हैंडेड बैटर राइट आर्म मीडियम पेसर। बाकी साउथ कोस्ट सेफायर वीमेन टीम की अगर हम बात करें तो इनके पास है जीवना अरास राइट हैंडेड बैटर राइट आर्म मीडियम पेसर, बाकी हैं अदिति चुडासमा जो कि राइट हैंडेड बैटर है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। तो ये बेंच के प्लेयर्स हो गए। अब हम स्टैट्स को देख लेते हैं जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले बात कर भी रहा था, क्योंकि अभी प्लेइंग 11 के बाद ये बेंच बच गया था तो उसको भी देखना जरूरी था। अब हम चूंकि आ चुके हैं स्टैट्स की तरफ, और स्टैट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इस दोनों टीमों की तरफ से, खास करके ये जो वॉरियर्स वेमेन टीम की है इनसे शुरू करेंगे। लास्ट एडिशन जो 2022 में हुआ था दुबई के अंदर, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही थी इनकी प्लेयर्स की, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको हेली मैथ्यूज दिखाई पड़ रही, राइट हैंडेड बैटर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। पिछले वाले सीजन में इन्होंने टोटल 5 मुकाबले खेले थे, 153 रन इन्होंने बनाए थे, 30 का बैटिंग एवरेज रहा था, और 5 विकेटें भी 19 ओवर की बॉलिंग में ली थी, तो ऑलमोस्ट आपको पूरे 4 ओवर करके देंगी, साथ ही साथ ओपन भी करेंगी, और आपने वुमेन्स आईपीएल में भी देखा था काफी शानदार फॉर्म में है। मिंगनॉन डुप्रीज 5 मैच में 120 रन 40 का एवरेज रहा था, इनका भी बढ़िया बैटिंग की थी इन्होंने पिछले सीजन। बाकी सिंधु श्रीहर्षा 5 मैच में 74 रन थे, 18 का इनका एवरेज रहा था, इनका भी अभी आपको मैं रिसेंट फॉर्म आगे दिखाऊंगा। बाकी कैथरीन ब्राइस हैं 3 मैच में 31 रन 15 का एवरेज और 2 विकेट 5 ओवर की बॉलिंग में, ये एक पार्ट टाइम बॉलर ही हैं, जरूरत पड़ने पर ही बॉलिंग करेंगी। बाकी ईशा रोहित हैं 5 मैच में 33 रन है 3 विकेट हैं 18 ओवर की बॉलिंग में, और ये एक रेगुलर 4 ओवर की बॉलर हैं, इस टीम की तरफ से आपको पूरे 4 ओवर करके देंगे, इसकी लगभग आप कह सकते हैं कि चीज़ निश्चित है। बाकी यास्मीन खान है ये भी पूरी 4 ओवर की ही बॉलर है, हालांकि पिछले सीजन में 5 मैच में केवल 1 ओवर किया था, विकेट इनको मिला नहीं था, 47 रन बनाए थे इन्होंने बल्ले से, एक ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर, अपनी नेशनल टीम के लिए लगभग 3 से 4 ओवर करती है, लेकिन यहाँ पर जरूरत पड़ने पर ही बॉलिंग करेंगी। बाकी समीला कोनेल है जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, 4 मैच में 1 विकेट है 8 ओवर की बॉलिंग पिछले सीजन में इन्होंने की थी। बाकी मरियाना मार्टिनेज है 3 मैच में 1 विकेट पिछले सीजन में था 5 ओवर की बॉलिंग में, और सहजाद हैं 2 मैच खेले थे, रन इनके कोई रहे नहीं थे। तो ये पिछले एडिशन की परफॉर्मेंस वॉरियर वीमेन की टीम की तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे इसी टीम के सभी प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के बारे में, जो कि ज़्यादा जरूरी है, वो तो पिछले एडिशन का आपने परफॉर्मेंस देख लिया। अब ये टीम जो है इनके प्लेयर्स जो हैं अभी फिलहाल रिसेंटली कितने अच्छे फॉर्म में है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हेली मैथ्यूज से आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हेली मैथ्यूज ने 13 रन 3 विकेट, 26 रन 1 विकेट, 24 रन कोई विकेट नहीं, 5 रन 1 विकेट, 35 रन 1 विकेट और 0 रन 3 विकेट, ये इनकी वीमेंस आईपीएल की परफॉर्मेंसेज हैं। बाकी एली जॉनस्टन है 2-26 नवा 24-10 और 15, कभी कभार बॉलिंग करती हैं, बैटिंग में अगर बात करें तो ठीक ठाक फॉर्म में है, अच्छी तगड़ी बैटिंग कर लेती है। बाकी नेटली सिवर इनका भी आप वीमेंस आईपीएल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आखिरी के कुछ मैचेस की जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने जब बैटर तो की थी, बॉलर भी बहुत ज़्यादा विकेट इनको नहीं मिली थी बीच बीच में, लेकिन विकेट मतलब की मिलेगी तो डेफिनेटली विकेट लेंगी। मिंगनॉन डुप्रीज 14-38-75-50-3-37, बाकी सिंधु श्रीहर्षा जिनके बारे में आपको मैंने कई बार बताया वीडियो में कि अच्छे फॉर्म में है, ये भी 26-2-74-25-5-5 और 50, और इसके अलावा यहाँ पर है फोइबिल इसफील्ड 9-67-78-82 और 27, ये ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक प्लेयर हैं। बाकी कैथरीन ब्राइस हैं 63 रन कोई विकेट नहीं, 51 रन कोई विकेट नहीं, 18 रन 1 विकेट, 4 रन कोई विकेट नहीं, 17 रन कोई विकेट नहीं, 104 रन 2 विकेट हैं।
तो यह है इनके रिसेंट परफॉर्मेंस। बाकी ईसा ओझा का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनके ये भी ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। बाकी यास्मीन खान 59 नबाद 1 विकेट 69 2 22 6 इस तरीके के बैटिंग ऑलराउंडर हैं। बाकी समीना कोलेल जो आती हैं वेस्ट इंडीज से, इनका भी आप देख सकते हैं 1 विकेट 3 विकेट और बीच में 3 मैचेस में कोई विकेट नहीं, फिर से 1 विकेट। बाकी मरियाना मार्टिनेज है 10 रन कोई विकेट नहीं 25 रन 1 विकेट 2 विकेट 3 रन कोई विकेट नहीं 1 विकेट। बाकी तानिया रूमा है, इनकी भी आप देख सकते हैं बैटिंग में काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। बीच में 5 मुकाबले जो पिछले खेले उसमें से अगर आप देखें तो 2 हाफ सेंचुरी है, 1 35 की पारी, 1 25 की पारी और 1 22 की पारी है। बाकी सहजीन शहजाद 9 17 28 14 3 9 और बाकी यहाँ पर एलिसन सीयू राइट आर्म मीडियम पेसर पिछले 5 4 मैचेस में 2 विकेट हैं जब इन्होंने बॉलिंग की है। तो ये आपने देख लिया दो इस जो वॉरियर वीमेन की टीम है इनका आपने पिछले सीजन का परफॉर्मेंस भी देख लिया और रिसेंट फॉर्म भी देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे दूसरी टीम जो यहाँ पर खेलेगी साउथ कोस्ट की जो टीम है साउथ कोस्ट सफायर की, उनकी बात करेंगे। तो वॉरियर वीमेन के आपने सारे स्टैट्स देख लिए, अब आप देखिए यहाँ पर सफायर वीमेन की टीम के सारे स्टैट्स जिसमें लास्ट एडिशन की परफॉर्मेंस सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगी। गेबी लेविस ने पिछले सीजन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने टोटल अपनी टीम के लिए बनाए थे 4 मैचेस में 113 रन जहाँ पर इनका बैटिंग एवरेज रहा था 37 का। इसके अलावा बबेट डिलीट जो कि राइट हैंडेड बैटर हैं 4 मैच में 85 रन बनाए थे, 21 का बैटिंग एवरेज था। बाकी कैरी चैन जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं इनके थे टोटल 5 मुकाबले में 28 रन और 2 विकेट और इन्होंने 15 ओवर की बॉलिंग की थी। और ये एक ऐसी बॉलर जो रेगुलरली आपको 3 से 4 ओवर करके देंगी, वो अलग बात है कि ओवर बीच में खराब चलेगा तो तीसरे ओवर में हटाया जाता है, वरना रेगुलर एक बॉलर है। बाकी सना मीर पाकिस्तान के ऑफ स्पिन बॉलर 3 मैच में 23 रन 5 विकेट पिछले सीजन में 9 ओवर की बॉलिंग की थी और ये भी पूरे 4 ओवर की बॉलर है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मरियम उमर हैं 4 मैच में 28 रन, सबरिम इस्माइल 5 मैच में 31 रन बल्ले से भी बनाए थे और 6 विकेटें भी ली थी 19 ओवर की बॉलिंग में और रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भी और रिसेंटली विमेंस आईपीएल जो हुआ था वहाँ पर काफ़ी तेज गति से बॉलिंग इन्होंने की थी। इसके अलावा टेस परेंट है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर इंग्लैंड से आती हैं 3 मैच में 3 विकेट 11 ओवर में, ये भी पूरे 4 ओवर करके देंगी। बाकी गीतिका कोडाली है 5 मैच में 4 विकेट 12 ओवर की बॉलिंग में। तो ये थी पिछले सीजन की परफॉर्मेंस इस टीम की तरफ से जो प्लेयर्स खेली थी। तो अब ये आपने स्टैट्स देख लिए, अब आगे बात बढ़ते हुए बात करेंगे दूसरे स्टैट्स की यानी कि रिसेंट फॉर्म जो कि ज़्यादा जरूरी है उसको देखना। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जैसे आपको देखा केटी मैक के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि एक डोमेस्टिक प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की, काफ़ी अच्छे ठीक ठाक से फॉर्म में है। हालांकि पिछले 2-3 मैच में 12-23 22 अच्छी शुरुआत लेकर के भी पारी को बड़ा कर नहीं पाए, लेकिन 1 हाफ सेंचुरी आपको पिछले 5 मैच में जरूर दिखाई पड़ेगी। गेबी लेविस 32 38 10 36 11 और 38 की पिछली 5 पारियाँ हैं। बाकी एरिन बांस का देखें तो 12 रन कोई विकेट नहीं 23 रन 1 विकेट 35 रन कोई विकेट नहीं 30 रन 1 कोई विकेट नहीं। बाकी बबेट डिलीड 2 हाफ सेंचुरी है पिछले 4 मैचेस में, तो ये भी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। बाकी कैरी चैन के 7 और 4 रन की 2 पारियाँ हैं, विकेट कोई भी नहीं पिछले मैच में। बाकी सना मीर का देखें तो 4 विकेट 5 रन 1 विकेट 18 रन कोई विकेट है, अगर सेकंड इनिंग में इनको बॉलिंग मिलती है तो जो एक्सपीरियंस इनके पास है टी20 क्रिकेट खेलने का, इवन क्रिकेट का खेलने का ही, उसके बेसिस पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। बाकी मरियम उमर 22 रन कोई विकेट नहीं 46 रन 1 विकेट 5 रन 1 विकेट कोई विकेट नहीं 26 रन। बाकी यहाँ पर कैथरीन ब्रंट का भी देख लीजिए, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं है, उसके पहले 2 विकेट कोई विकेट नहीं 1 1 1 इस तरीके से विकेट लिए। सबनीम इस्माइल लास्ट मैच में 2 विकेट, बीच में 1 मैच में विकेट लेस नहीं है, उसके पहले वाले मैचेस में 1 2 3 और 1 करके इन्होंने विकेट चटकाई है, तो लगातार अच्छे फॉर्म में रही हैं। बाकी टेस परेड का देख लीजिए, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ फिलहाल, तो कोई विकेट नहीं 1 विकेट 2 विकेट कोई विकेट नहीं तो 3 विकेटें हैं अगर आप देखें तो पिछले 7 मैचेस में। बाकी गीतिका कोटाली इनका भी आप देख सकते हैं 13 रन 1 विकेट 16 रन कोई विकेट नहीं, बाकी ये सारी परफॉर्मेंसेज हैं। बाकी जीवाना अरस 1 ही मैच खेला है पिछले काफ़ी समय से इन्होंने और 3 रन बनाया था। बाकी अदिति चुडासमा है जो कि पिछले 5 मैच में केवल 1 विकेट ले पाई है, 4 मैचेस इनके विकेट लेस रहे हैं। तो ये आपने देख लिया रिसेंट फॉर्म भी इस टीम का, इवन दोनों ही टीमों का रिसेंट फॉर्म भी आपने देख लिया प्लेयर्स का बेसिकली, और आपने उसके लास्ट एडिशन की परफॉर्मेंसेज भी देख ली। अब जो एक चीज़ बचती है वो कुछ प्लेयर बैटर्स जो यहाँ पर अवेलेबल है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि दोनों टीमों में कुछ बड़े नाम हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ उस किस तरीके की परफॉर्मेंस है जिन्होंने की है वो देख लेंगे अगर आप, तो आपको पता चल पाएगा कि कौन से प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए कौन से प्लेयर स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हेली मैथ्यूज जो वॉरियर के लिए खेल रही है, वो जो सफायर विमेन के लिए खेल रही है सबरीम इस्माइल, उनके खिलाफ अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो 20 ही गेंदें खेली हैं, 11 रन केवल बनाए और 2 ओवर आउट हुई हैं, तो ये देख सकते हैं रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। बाकी वही चीज़ कि अगर ये पहली इनिंग में बैटिंग करती हैं और शुरुआती ओवर में डेफिनेटली आएंगी तो उनके लिए एक रिस्क होगा। बाकी कैथरीन ब्रंट के खिलाफ 27 गेंद पर 28 रन 1 विकेट। बाकी नेटली सीवर टेस परैन के खिलाफ 9 गेंद पर 18 रन 1 बार आउट हुई है। बाकी मिगनॉन डुप्रीज की बात करें तो सबनीम इस्माइल के खिलाफ 1 बार आउट हुई 23 गेंद पर 24 रन बना के, और सना मीर की बात करें तो उनके खिलाफ 41 गेंद पर मात्र 23 रन है, 50 के आसपास का स्ट्राइक रेट है और केवल 1 बार आउट हुई है, लेकिन रिकॉर्ड आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डोमिनेट डेफिनेटली
किया है अगर हम देखें तो मिग्नॉन डुप्रीज को सना मीर ने। आगे बढ़ते हुए दूसरे स्टार्ट देखें तो एक ही प्लेयर का प्लेयर बैटल यहाँ पर है, दूसरी जो टीम है यानी कि सेफायर साउथ कोस्ट सेफायर विमेन की टीम की। और इनका अगर हम देखें तो यहाँ पर हेली मैथ्यूज की 20 गेंदों पर 22 रन बनाकर के 2 बार आउट हुई हैं और इनका नेटली सिवर की 23 गेंद पर 39 रन बनाकर 3 बार आउट हुई। तो दोनों स्टार्ट काफ़ी खराब है कैटी मैक के इन दोनों बॉलर्स के खिलाफ, तो इनको आप थोड़ा सा इनसे बच के रह सकते हैं। आप ग्रैंड लीग की टीमों में भी कम से कम ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टन एज ए प्लेयर तो आप डेफिनेटली इनको लेकर के जा ही सकते हैं। तो ये थे कंप्लीट स्टैट्स जिसमें आपने प्लेयर बैटल देख लिया, लास्ट एडिशन की परफॉर्मेंस देख ली, रीसेंट स्टैट्स देख लिए क्या फॉर्म में प्लेयर्स का। अब देख लीजिए कि क्या टीम फिलहाल अभी आपको बना करके चलनी है। तो जो टीम आपको बनानी है फिलहाल प्री टॉस टीम वो आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई पड़े। उसमें यहाँ पर बबेट डिलीट जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे बेहतर फॉर्म में भी है, सबसे बेहतर ऑप्शन भी है। बाकी केटी मैक है, गेबी लेविस है, फॉयबिल स्फील्ड, 3 बैटर्स यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं और 5 ऑलराउंडर्स को यहाँ पर डिपेंड यहाँ पर करने वाले, जिसमें हेली मैथ्यूज हमारी कप्तान है, नेटी सिवर वाइस कैप्टन है, कैथरीन ब्रंड भी है, सना मीर भी है और कैथरीन ब्राइस भी है। पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऑफ स्पिन लेग और साथ ही साथ यहाँ पर तेज गेंदबाजों को यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं। बाकी 2 तेज गेंदबाज, एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, एक राइट आर्म मीडियम फास्ट, सबरिम इस्माइल और टैस पेरेंट को यहाँ पर अपनी टीम में हम रख रहे हैं। तो ये टीम फिलहाल बना करके सेव करिए। ये मैच है सुबह 7:30 बजे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो 7:30 बजे के पहले आपको अपडेट मिल जाएगा फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम के चैनल पर। बाकी जो 2000 रुपये गिव अवे का क्वेश्चन है उसमें आपको यही बताना है कि जो हमारे ये कैप्टन है और ये वाइस कैप्टन है ये दोनों मिल करके टोटल कितने सिक्सेस लगाएंगी, यानी कि छक्के कितने लगाएंगी ये दोनों मिल करके। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, जो भी करेक्ट आंसर करेगा फास्टेस्ट 2 करेक्ट आंसर को एक गिव अवे किया जाएगा 2000 रुपये का। बाकी टेलीग्राम पर चुकी है अनाउंस होगा गिव अवे भी, फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन जरूर करिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिए गए लिंक की मदद से। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। बाकी टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना ही है ताकि फाइनल टीम भी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करके खत्म, चलते हैं, नमस्कार।